हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त निर्भय। और आज की हम इस वीडियो में क्लासिकल ट्रेनिंग या फिर क्लासिकल म्यूजिक सीखना क्यों नेसेसरी है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप क्लासिकल ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हो तो मैं पहले से ही ऑनलाइन क्लासेस ये सब ले रहा हूँ, ऑनलाइन फ्लूट क्लासेस ले रहा हूँ। तो अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, उस पे आप मुझे मैसेज करके आप मेरे जो ऑनलाइन फ्लूट क्लास है, जो कि पर्सनली वन ऑन वन ऑनलाइन क्लास होता है और उसकी फीस भी कम है, तो आप जरूर उस मैसेज पे मुझे अपना नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और मेरा ऑनलाइन फ्लूट क्लास जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो जनरली मैं जो है क्लासिकल म्यूजिक ही सिखाता हूँ। जितना मैं सीखा हूँ उतना मैं जिन लोगों को सीखना है उनको शेयर करता हूँ, और मैं भी खुद आगे क्लासिकल म्यूजिक का जो भी स्टडी है वो मैं कर रहा हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा कुछ जो है सीखना है क्लासिकल म्यूजिक में। तो पहले तो क्लासिकल म्यूजिक क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जो भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो वो इंस्ट्रूमेंट क्लासिकली जब आप प्रॉपर तरह से सीखते हो तो उसकी टेक्निक्स, उसकी डायनामिक्स, उस इंस्ट्रूमेंट को कैसे प्ले करना है, वो सब चीज़ें आपको क्लासिकल ट्रेनिंग में पहले तो सिखाई जाती है। लाइक हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो फ्लूट है, तो वो फ्लूट को पकड़ना कैसे है, उसके बाद में फ्लूट बजाते समय उसका पोस्चर, आपका जो पोस्चर है वो किस तरह से होना चाहिए, आपके फिंगर जो है किस तरह से सॉफ्ट मूवमेंट करने चाहिए, या फिर गमक का यूज कैसे करना चाहिए, मिंट का यूज करने के लिए फिंगर्स का जो भी मूवमेंट होता है वो किस तरह होना चाहिए, ब्लो कैसे परफेक्टली करना है सो दैट कि जो भी हवा है, एयर है, वो आपकी प्रॉपर बांसुरी के अंदर चली जाए। तो ये सब चीजें पहले तो टेक्निक्स में आती है, कोई भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट आप लेते हो तो वो सीखने के लिए। ठीक है, तो ये सब क्लासिकल ट्रेनिंग में अच्छे से आपको सीखने मिलता है। दूसरी चीज, म्यूजिक में आपको प्रॉपर जो भी म्यूजिक का बेस है, जो म्यूजिक एक्चुअल में रेडी किया जाता है अलग अलग तरह से, अलग अलग रागों से, ये जो बॉलीवुड के सॉन्ग होते हैं वो सॉन्ग्स किस तरह से कंपोज किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, इसका बेस कहाँ होता है, ये सब चीजें आपको क्लासिकल म्यूजिक में सिखाई जाती है। जहाँ पे आपको प्रॉपर तरह से राग क्या होते हैं, सुर क्या होते हैं, एक सुर को दूसरे सुर तक लेके जाने में, सॉफ्टनेस के साथ लेके जाने में क्या प्रोसेस होता है, क्यों वो लेके जाना होता है, कौन सा सुर पे ज्यादा वजन देना होता है, कौन से सुर पे कम वजन देना होता है, एक पर्टिकुलर राग में, एक पर्टिकुलर सॉन्ग में, ये सब चीजें आपको क्लासिकल म्यूजिक में सिखाई जाती है। और सच कहूँ तो ये से वो सारी बॉलीवुड के गाने, ज्यादातर हमारा एम वही होता है कि अगर मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखूँ तो पहले तो मैं एक अच्छा खासा कोई तो गाना बजाना सीख जाऊँ। बट वो बहुत ही ज्यादा ऊपर वाली चीजें हैं। लाइक अगर आप प्रॉपर क्लासिकल म्यूजिक सीख लेते हो तो वो जो गाने, ये सब चीजें जो है वो बहुत ही छोटी हो जाती है आपके लिए, आप बहुत ही ज्यादा आसानी से वो सब चीजें बजा सकते हो। बट अगर आप सीधा म्यूजिक क्या है ये बिना समझ के गाने ये सब बजाने की ट्राई करोगे तो आप एक सरगम वॉइस, लाइक सारे गम पद नहीं सा, ये सब प्ले करने के बाद जब गाने ट्राई करते हो तो एक सरगम और नोट्स के बेस पे आप वो गाना बजा तो लोगे बट वो गाने में फ्लो नहीं होगा, वो गाना गाने जैसा नहीं बजेगा, एक रिदम में नहीं बजेगा, एक ताल में नहीं बजेगा, और आपके मन में हमेशा एक बात ऐसी रहेगी कि मजा नहीं आ रहा है, ये जो मैं चीज बजा रहा हूँ वो मजा नहीं आ रहा है, समझ रहे हो। तो वो मजा आने के लिए पहले तो आपको म्यूजिक क्या है वो तो समझना पड़ेगा, और म्यूजिक क्या है ये समझने के लिए आपको क्लासिकल म्यूजिक जो है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, वेस्टर्न से भी ज्यादा डीप ये क्लासिकल म्यूजिक है इंडिया का। अगर आप ये सीख जाते हो तो आपको हर एक म्यूजिक का जो स्ट्रक्चर है, ऊपर वाला जो भाग है वो आराम से आप कैच कर सकते हो, और ये सीखने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, आपको सिर्फ आपके जो भी
लाइफ है, उस लाइफ के अगर आपने 2 साल भी प्रॉपर तरह से कंटिन्यूअस डिसिप्लिन में 2 साल भी अगर क्लासिकल म्यूजिक को समझने में दे दिए, तो आपके पास बहुत सारा नॉलेज आ जाएगा और उस नॉलेज के बेस के ऊपर आप बहुत सारी चीजें जो है म्यूजिक में आगे आगे सीखते रहोगे। तो अगर मैं कहूँगा कि अगर आप क्लासिकल म्यूजिक सीखना भी चाहते हो तो प्रॉपर तरह से सीखो। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि आपको 100, 150 राग आने ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बेसिक लेवल पे या फिर 7-8 राग भी सीख जाते हो जो कि थोड़े थोड़े अलग अलग चलन के हैं, अलग अलग बिहेवियर के हैं, जैसे राग भैरव, राग भीमप्लासी, राग भूपाली, उसके बाद में यमन, राग देश, ये अलग अलग चलन के अगर राग आप 7-8 राग ऐसे सीख भी जाओगे तो भी आगे जाके आपको बाकी के जो राग है वो खुद से बजाने की आप कैपेसिटी जो है आपके अंदर आ जाएगी। आप 7-8 राग सिर्फ बच्चे से सीखो, उसके बाद में आगे के राग देखिए, आप आराम से खुद से वन बाय वन सीखते चले जाओगे। आपको किसी की ज्यादा जरूरत नहीं लगेगी वो सारी चीजें सीखने में, और ऑटोमेटिकली ये 7-8 राग सीखने के बाद आप खुद से ही गाने ये सब चीजें भी आइडेंटिफाई करने लग जाओगे, उसके बाद में बजाने लग जाओगे खुद से ही। तो ये प्रोसेस ज्यादा से ज्यादा अगर प्रॉपर आप डिसिप्लिन में सीखते हो तो 1.5-2 साल निकल जाता है, बट अगर आप वो 1.5-2 साल अच्छे से म्यूजिक के लिए दे देते हो तो आप नोटिस करोगे कि आप बहुत ही अच्छे से बाद में कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो या फिर आप सिंगिंग करते हो तो बहुत ही ज्यादा आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होगी, और वो जो भी म्यूजिक है, जो भी सिंगिंग है या फिर इंस्ट्रूमेंट बजाना है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से आप बजा पाओगे। तो इसलिए क्लासिकल ट्रेनिंग मेरे हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है। अगर आप सीधा लाइट इंस्ट्रूमेंट बजाते हो और सीधा गाने ये सब चीज़ें, उनके टेक्निक्स, उस इंस्ट्रूमेंट को कैसे बजाना है वो सब टेक्निक्स मिस करके सीधा गाने ये सब बजाओगे तो आई एम डैम श्योर कि आप जो भी बजाओगे उससे आप खुश नहीं होगे। बजा तो लोगे बट मज़ा नहीं आएगा, ऐसा है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप म्यूजिक सीख रहे हो तो थोड़ा बहुत तो एक बेस क्लासिकल म्यूजिक का आप सीख लो, और उसके बाद में अगर आपको आगे इसके जाना है क्लासिकल में और डीप जाना है तो वो आपका कॉल है, नहीं तो उस बेस के ऊपर आप अच्छे से गाने ये सब बजा पाओगे, क्योंकि उसमें ताल होगा, फ्लो होगा, किस गाने को किस तरह से बजाना है, किस सुर को कहाँ पे वजन देना है, कहाँ पे हल्का रखना है, वो सब आप इसमें सीख जाओगे। और जो आप गाना बजाओगे उसे आप खुद से भी खुश हो जाओगे और दूसरे जो लोग सुनेंगे वो भी बहुत ज़्यादा वो सुन के खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, और अगर आप इंटरेस्टेड हो फ्लूट सीखने में, क्लासिकल म्यूजिक सीखने में, वो मेरे ऑनलाइन क्लास है, अवेलेबल है, वहाँ पे आप मुझे जो व्हाट्सएप नंबर है मेरा उसके ऊपर कांटेक्ट करिए, और मैं आपको ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।